पर हम लोग ना डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। हम कोशिश बहुत करते हैं बट एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते। पता है सबसे इजी तरीका है किसी डिसीजन पे पहुंचने का? हाँ, कई बार होता है कि नहीं होता, हमें वक्त देना पड़ता है चीज़ों को, बट कई बार बहुत इजी होता है अगर वक्त भी दे रहे हो तब भी। चलो एक बार ये तरीका सुन लो, यूज़ करके देख लो। एक काम करो, एक पेपर पेन लो, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, इंसान के बारे में सोच रहे हो, किसी भी एक्स वाई जेड चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उसके दो साइड लिखो। एक पहलू में क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं और दूसरे पहलू में क्या उसकी बुराइयाँ हैं, फिर डिसाइड करो। डिसीजन लेना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग के साथ। मैं रुकी हूँ स्विस काउंटी के साथ और आज मैं जाऊँगी आपको लेके बहुत सुंदर सुंदर जगह। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस साइड साक्षी धंजल। बट आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी तो मैं नाश्ता कर रही हूँ। सो दिस इज सैंडविच, दिस इज फ्रेंच फ्राइज, दिस इज जूस, दिस इज एक्चुअली पाइनएप्पल जूस, दिस इज मिक्स सैंडविचेस। मेरा व्लॉग आज का यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। व्लॉग पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगी, सुंदरता दिखाऊंगी यहाँ की, ये जगह कितनी खूबसूरत है। लेट्स गो। सो ये है स्विस काउंटी का सबसे प्रीमियम, सबसे लग्जरियस और सबसे बेस्ट ट्रे। आप देख ही सकते हो इससे कितना ब्यूटीफुल है। मतलब हर रूम में ना इनकी यूटिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं ही, पर यहाँ पे क्या है स्टे में, स्टे में प्रॉपर आपका सिटिंग एरिया, किचन काइंड ऑफ एरिया, मतलब आप सेटअप कर सकते हो अपना किचन, और माइक्रोवेव दे रखा है। ऐसे इनके पास एक्चुअली में दो रूम्स हैं, तो ये आपका मतलब सबसे प्रीमियम रूम था इनका, और इतना प्यारा व्यू। सो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, अगर आप यहाँ खड़े हो और एकदम से हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो व्यू कितना और खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि फॉग बिल्कुल ऊपर की तरफ आके और ही खूबसूरत हो जाती है। और नीचे जो गार्डन एरिया है वो तो था ही इतना मेस्मराइजिंग। प्लस ये इनका वॉशरूम है जिसमें सारी यूटिलिटीज़ थी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी जो नीडेड होती है। लुक एट देयर वॉशरूम। और जो रूम प्राइस है इसका, पाइन सूट है जिसकी कॉस्टिंग ऑफ सीज़न 5000 जाती है, और अगर सीज़न हो तो 6 से 7000 का ये आपको रूम पड़ जाएगा। So this is with a personalized balcony and look at the plants. ये इनकी second category है, वो इनकी first category थी। And look at this room, this is amazing, right? And obviously with the utilities, with the almira, with the big mirror and the washrooms. Doesn't it look amazing? Right? So guys, this is the early check-in kind of thing. और मैं, मेरी प्रॉपर्टी शिफ्ट हो चुकी है। I'm gonna mention the name, पर पहले इनके रूम्स देखते हैं यार। They are so much amazing. शक्ल पर मत जाना, नींद पूरी नहीं हो रही आजकल काम एडिटिंग्स एंड ऑल के चक्कर में। Wow. This is so beautiful place, यार। And मेरी जो प्रॉपर्टी है, आई विल शो यू द रूम, यू विल लव इट, जो मेरा रूम है। ओके, सो दैट्स 112 विद द फुल ऑन लगेज थिंग विद द वॉशरूम। अमेजिंग राइट? एंड इतना बड़ा मिरर, चेक करो ये। सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ, ऑब्वियसली विद द यूटिलिटीज एंड फ्रिज, और बेड चेक करो, और सबसे बड़ी चीज, हाउ कैन आई मिस द मिरर, नॉट द मिरर, दिस, हाउ कैन आई मिस द व्यू। इज़न्ट द व्यू इज ब्रेथ टेकिंग, है ना? सो यार, इन्होंने अपना गार्डन देखो कितना अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, प्रॉपर मेंटेनेंस करी हुई है अपने गार्डन की, पूरे एरिया की। वाओ, राइट? एंड दैट्स देयर प्रॉपर्टी। इजंट इट्स लवली?
एट द टॉप मोस्ट एरिया, ये रेस्टोरेंट है यहाँ का. लुक एट दिस, इज़न्ट दिस अमेजिंग. ये तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हो राइट. सो यहाँ पे जो फूड है, मतलब यहाँ का फूड ना बहुत बजट है, लाइक बजट में है. मैंने बहुत नोटिस करा कि आप अगर यहाँ फूड ट्राई कर रहे हो ना, इट्स वेरी बजट फ्रेंडली. इनका इन मतलब इनका जो रेस्टोरेंट है वो अंदर ही है, मतलब इनके होटल में प्रोवाइडेड है हर टाइप का फूड. सो यू एक्चुअली ट्राई बिकॉज दे हैव वेराइटी ऑफ चॉइसेस. मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ. सो दैट्स द मैक्रोनी एंड आई एम गोइंग टू ट्राई द मैक्रोनी टुडे एंड आई एम सिटिंग इन द रेस्टोरेंट एरिया. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया. आई विल शो यू द फर्स्ट ऑफ ऑल द शूट एंड देन आई विल हैव द मैक्रोनी बाइट्स. सो गाइस, मैं आज मुनार की दूसरी तरफ हूँ. ये मुझे लगता है पूरा सिटी एरिया है जहाँ पर रेजिडेंसी है मुनार की, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टे नहीं है सच. और मुझे लगता है जहाँ तक यहाँ इस एरिया में लोग रहते हैं, जहाँ मैं रुकी हूँ ना, वहाँ से ये जगह हार्डली 15 मिनट्स है. मेरे सामने जो ऑटो चल रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें आप बैठ कर यहाँ पर इस जगह को डिस्कवर कर सकते हो. ये मगर पूरा एरिया नहीं घुमाते ये छोटे वाले, ये आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे लोकल्स में. ऐसे तो यहाँ जीप चलती है, आप जीप ले सकते हो या और या तो फिर स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हो. सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द डे. और ये जगह पड़ती है मेरे स्टे से अराउंड 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे. यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट पहुँचा देता है ना, जैसे मतलब जो ये ऑटो चल रहे हैं. कितना चार्ज करते हैं अराउंड? टेन रुपीज टाउन से. सो यहाँ के एंट्री टिकट 50 रुपीज और पर पर्सन और बच्चों की है 25 रुपीज. दैट्स द पॉइंट ऑफ द एंट्री एंड जस्ट लुक एट द फ्लावर्स, दे आर इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल राइट. और जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपको इस तरह की मूर्ति दिखेगी एंटर करते हैं. दिस प्लेस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल गाइस, जस्ट लुक एट दिस. Don't pluck the flowers if you want. Hi, do you understand English, right? Hmm? English? No, English. Okay, which plant are you working on right now? This is? Yes. This plant? Yeah. This is Calanchia. Calanchio. This is a small flower plant. Small flower plant. Okay. And how many types of plants are here in this garden? How many? Hmm. 7,000. That's incredible. So guys, thank you. So guys, जहाँ पर मैं हूँ ना, यहाँ पर 7,000 kind of the plants हैं. So it's worth visiting place. Trust me, इसको rose garden कहा जाता है. और एक ticket price मैं आपको बता दूँ. पेपर है यहाँ पर, और भी type of plants हैं. वेटीवर मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो बताओ. सुटेबल फॉर शुगर, स्टीवरा, पेपरमेंट, एलोवेरा. दिस इज अ मेडिसिन प्लांट एंड देयर इज वन मोर आलूथा. गाइस, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है. मतलब इतने सारे प्लांटेशंस, इतने सारी वो, इतनी ब्यूटी, और ऊपर से 50 रुपीज़ वर्थ करते हैं कि इनको इस जगह को मेंटेन भी रखना पड़ता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आओ और इस जगह को देखो. एंड मतलब कहीं भी चले जाओ यहाँ पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साउथ में ना सबसे ज़्यादा मतलब प्लांटेशन और ग्रीनरी है. आपको क्या लगता है कि साउथ में ऐसा कुछ है? मतलब मैं जितनी बार भी साउथ आई ना, मुझे ऐसा फील हुआ है. दिस इज द बोधा बैम्बू जो घर पे हम लगते हैं ना, ये बड़ा हो गया है. मेरा वाला ख़राब हो जाता है यार बहुत जल्दी. ये तो कितना सुंदर लग रहा है, इतना बड़ा मैंने अपने घर पे आज तक नहीं देखा. बहुत कोशिश करी बट इतना बड़ा नहीं देखा. कैक्टस,
कितने सारे यार, बहुत ही सारे प्लांट्स है। अफ्रीकन वॉलेट सेंट, वाओ। आप प्लांट लवर हो गाइस, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड, कौन सी बटरफ्लाई। सो यहाँ पे प्लांट्स फॉर सेल भी अवेलेबल है, इफ यू वांट टू बाय देम फॉर अ होम। सो दे हैव दीज कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, सो दीज आर दी होम प्लांट। देखो ये 100 रुपीज़ वाले हैं यहाँ पे मेरे सामने, भाई यहाँ पे सही रेट है यार। मैं दूसरी साइड थी ना, असम साइड, तो वहाँ थोड़े महंगे थे। फिलहाल मुझे नहीं पता ये रेट सही है कि नहीं, बट आई डोंट नो इवन ये कौन सा प्लांट है, बट ये होम प्लांट्स हैं। ये नीचे वाले 50 रुपीज़ के हैं, एंड दिस एरिया मे बी यू कैन रिकोगनाइज अगर आप प्लांट लवर हो तो। आई एम प्लांट लवर, बट मम्मा लगाते तो मुझे समझ आते हैं कि प्लांट किस टाइप के होते हैं। सो गाइस ये है नारियल पानी यहाँ पे लोकल, एंड आई एम गोना हैव इट, आई एम थर्स्टी। रूट इज़ इन माधुपट्टी डायरेक्शन, अगर आप उस रूट को ले रहे हो ना, सो ट्रस्ट मी यू गोना फाइंड एनिमल्स ऑल्सो, लाइक फॉर राइडिंग, नॉट फॉर यू नो साइट सीइंग। एनिमल्स दिखते हैं बट बहुत लक होता है तब, अदरवाइज आपको हॉर्स राइडिंग और ये आपका एलिफेंट राइडिंग, प्लस आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ माधुपट्टी डैम, और यहाँ पे 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर की यहाँ पार्किंग चार्जेस और पैडल बोर्डिंग चार्जेस है 400 रुपीज़, और ये है माधुपट्टी डैम की। वहाँ लोग रहते होंगे तो कितने लकी है ना, मतलब वो वाला जो हट हाउस है, ये वाला ही जो हट हाउस है यहाँ पे। दिस इज अ माधुपट्टी डैम, दिस लोकेशन इज अमेजिंग गाइस। चलो चलते हैं आज की थर्ड लोकेशन पर। सो गाइस माधुपट्टी पॉइंट पे आप गोलगप्पेस खा सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, इको पॉइंट भी है यहाँ पे, तो आप उसको वहाँ पे भी जा सकते हैं। मैं यहाँ रुक नहीं रही हूँ माधुपट्टी पॉइंट पे, क्योंकि निकल की पार्किंग ही बहुत महंगी है, और ऊपर से आप नीचे सिर्फ तब वर्थ यहाँ रुकना अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं। बेसिकली पेडल बोटिंग से लेके सारी टाइप की बोटिंग्स हैं यहाँ पे। अरे मैं तो भूल ही गई, यहाँ पे भुट्टे भी बहुत मिलते हैं यार, आप भुट्टे भी खा सकते हो इस मौसम के साथ। अभी जो यहाँ मौसम है ना, थोड़ा ठंडा ही है। बेसिकली मैं रुकी थी गवर्नमेंट एरिया के पास, एंड आई रियली नीडेड टू यूज़ दी वॉशरूम, बट यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा था। अगर मैं आपको राइट साइड का व्यू दिखाऊँ तो सी इट इज़ अ सनसेट व्यू, और ये रोड पर ही दिख गया था, सो आई वॉज लाइक कि यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करनी ही करनी है मुझको। इट्स अमेजिंग, और जब आप क्रॉस कर रहे हो ना ये रोड्स, ट्रस्ट मी आप वो जो विस्लिंग साउंड्स होती है ना बर्ड्स की, वो सुन सकते हो सीरियस। सो यहाँ पे कहते हैं एलिफेंट्स दिखते हैं या फिर कोई ना कोई जानवर रोड क्रॉस करते हुए दिखता ही दिखता है, बट मैं मतलब हॉन्ट कर रही हूँ कोई दिख जाए, वेट कर रही हूँ कोई दिख जाए। ये भी लोग इसलिए खड़े हैं जानवर को देखने के लिए। सो दिस इज एलिफेंट क्रॉसिंग पॉइंट, और कहते हैं मतलब 101% दिखता है, बट अब मुझे तो दिखा नहीं आ रहा एलिफेंट। देखो एलिफेंट क्रॉसिंग, दिस इज द एरिया। बहुत उम्मीदों से देख रही हूँ एलिफेंट को, पर मुझे कोई एलिफेंट नहीं दिख रहा। तो गाइस मैं अभी लास्ट पॉइंट पर हूँ आज के, दैट इज एको पॉइंट। और पता है एको पॉइंट जो है ना, वो थोड़ा सा आगे है यहाँ से राइट साइड से, और आप अगर चाहो तो आप नीचे भी बैठ के एको का मज़ा ले सकते हो, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए एग्जैक्टली उस पॉइंट पर। चलना इज़ मोर लाइक मतलब इट्स बियॉन्ड ब्यूटीफुल यार। यहाँ पे बीच में भैया के पास, भैया मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है ये वाली, इसका नाम क्या है प्लेस का, जगह इको पॉइंट। इतने सारे इको पॉइंट है, मगर इको पॉइंट के अलावा क्या नाम है इस जगह का, नाम नहीं पता इस जगह का। ये सेम रास्ते सेम रूट पर आता है माधुपट्टी के। एनीवन एनीवन विद द एंटरटेनमेंट, उधर एंटरटेनमेंट हो रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे।
सो गाइस कुछ तो दिखा जाते हुए, हिरन बहुत डरते हैं यार, मतलब उनको अगर थोड़ी सी भी इंसानों की आवाज़ जाती है ना तो वो भाग जाते हैं दौड़ के, मतलब गाड़ी की भी। हेलो बाय बाय। बेसिकली ये वही एरिया जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पार्किंग चार्जेस हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूट होती है, बहुत सारी मूवीज़ की शूट होती है यहाँ पे। सो ये एरिया में अगर आप एंटर कर रहे हो उधर के साइड से तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ शूट होती हैं। ये एरिया बहुत ही सुंदर है यहाँ का। सो ये जितनी जगह है ना, ये रिपल ट्री फार्म है, मतलब जितना एकड़ ज़मीन, मतलब मैं यहाँ पर डैम के पास घूमी हूँ ना, ये सारा ही निकाय चाय बाजार रिपल ट्री का। लेट्स गो एंड जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ टी द पीपल हैव। हम एंटर करते हैं यहाँ से। सो दैट्स द बेकरी पॉइंट जो भी बंद हो चुका है सारा, आई गेस रिपल लीफ मिल्क चीज वाइट टी। हेलो, आई एम नॉट मच टी लवर बट आई वांट टू ट्राई। So which tree will suggest me? So that's a different kind of tree they have. ये इत्र है ना? फिर this is essential oil, body points. Yeah. Okay. ऐसे bottle में normally इत्र आते हैं. That is a pure coffee. I just checked. This coffee is without chicory and they have the green teas. Green tea abhi maine just khareedi thi, I'm not going to buy. They have the flavored chocolates. If you can see ki chocolate kaun kaun si hai inke paas, matlab kis rate mein, 500 ka hai pura. And this is about 100 rupees. Wow, maybe these products are so original. This is very first time I picked up a tree and I'm gonna try it. Let's see kaisi hai. So basically maine apne liye liya hai strawberry preserved jam. Ye jam hai guys and इसके अलावा मैंने अपने लिए जो लिया है, मैंने इस बार कॉफ़ी नहीं ली बट वो चिकोए के बगैर थी, चिकली के बगैर जो भी इसको कहते हैं, तो प्योर कॉफ़ी थी। इस बार मैंने अपने लिए ये लिया है द ब्लैक आइस पीच। आई विल टेल यू ऐसा था एंड आई विल ट्राई इट इन कमिंग व्लॉग्स। इनके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं सो यू कैन एक्चुअली गो विद द टी। ग्रीन टी तो मेरे पास पड़ी हुई है बहुत सारी। Isn't this view is amazing? These flowers are beautiful, right? So मैं just अभी आई and मतलब shoots and all से and now I'm gonna eat something. अब तुम लोग कह रहे हो कि मैंने मैगी खाई हुई, मुझे कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं guys. और मैं नहीं अपने room की तरफ जा रही हूँ यार। ये ऊपर कितना सही है ना, ये glass की मतलब इसको glass की छत बोलूँ जो नीचे की तरफ जा रही है। एंड रूम के अंदर चलते हैं, let's just order some food for ourselves. Me and my atma are hungry. Let me do some meditation also. It's been so long my meditation. Matlab main meditation kar rahi hu but not much because I don't not getting that much time. I'll invest time on myself. Ab meri puri dress niche se geeli ho chuki hai. So guys, I want to share some additional information यहाँ के बारे में with you people. Check-in time यहाँ पे 12 बजे है, check-out 11 बजे है, hot water 24, हाँ 24 मतलब अभी मैं फिर से ना कर आई हूँ। टेलीविजन में मोर देन लाइक 250 चैनल्स अवेलेबल हैं, इनके स्मोकिंग अल्कोहल प्रोहिबिटेड है और इनका मतलब इनके पास मल्टी क्रूजिन है, सच में है यार, आई जस्ट चेक इट आउट। अगर आपने चेक नहीं करा अभी तक तो चेक करो। सो दिस इज़ देयर मोर थिंग्स, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हनीमून का स्पेशल पैकेज है, यू कैन एक्चुअली चेक दैट एज वेल। एंड दिस मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करी है। एनीबॉडी नो, मैं पी लेती हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर द डिनर, दिस इज सूप, दिस इज मशरूम एंड दिस इज ऑल फॉर डिनर। आई एम गोना हैव मशरूम, मशरूम इज माई फेवरेट।
Let's start the dinner. The food is actually amazing, guys. Mushroom, bahut acche hain. Thank you so much for watching. See you tomorrow. I mean, day after tomorrow with the vlog. Bye-bye.